Assalamualaikum everyone, welcome to the show Meri Eidi. मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा एसन और मेरे साथ हैं MJ एसन और आप सबको हम दोनों की तरफ से आज चैनल की तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक। तो गाइज उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, मजे मजे के खाने बन रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोग अपनी ईद और अच्छी बनाना चाहते हैं तो ये शो छोड़ के कहीं मत जाएगा, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आज भी एक कपल गेस्ट है हमारे पास और तारीफ के वो बिल्कुल मोहताज नहीं है। एक उनमें से जो गेस्ट है उनकी स्माइल बहुत प्यारी है और जो दूसरे हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो बहुत पसंद की जाती है, कॉमेडी किंग कहलाते हैं। और ये जो हमारे घर को इतना प्यारा सजाया हुआ है, ये सजाया हुआ है डेकोरी ऑफिशियल ने, वो हमेशा से उनका काम हमें बहुत पसंद है। और क्या तारीफें मजीद करें, आप देख ही सकते हैं कि हमारा घर जो है बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम। आई गेस कोई आ गया है। हाँ, मुझे लग रहा है, मैं उस वक्त यही नोट कर रहा था। हमारे गेस्ट आ गए हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। वैसे ईद कैसी गुजर रही है आप लोगों की? ईद अच्छी गुजर रही है अभी तक, खाते पीते, और पता है ना 30 दिनों का एक इम्तिहान होता है अल्लाह के यहाँ आपका, फिर उसके बाद ईद का दिन आता है, तो आप फिर खाते हो और समझ लीजिए इफ्तारी दुगनी हो जाती है आपकी। दुगनी हो जाती है, पर जुल्कर को देख के आपको कभी नहीं लगेगा ये इतना खाता है। हाँ, लेकिन अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह बुरी नजर से जाए, ये बहुत खाता है। ये तुमने हर जगह जरूर बताना, मैंने बताना है कि इसको लगता नहीं है, मुझे लगता है, मैंने बताना है हर जगह, मैंने अपना प्रॉब्लम बताना है, तुम्हारा बताना है। नहीं कवल ऐसा है, वैसे लड़कियों को ज्यादा जल्दी लग जाता है। हाँ ऐसे ही है। कवल ने आपको क्या ऐसा खिलाया अफ्तारी में, सहरी में, बहुत स्पेशल अपने हाथों से खुद बना के? तो मुझे यही है कि यार वो अफ्तारी होती ही नहीं है जिसमें पकोड़े समोसे ना हो। ऑब्वियसली मैं मतलब डेली मांगता हूँ कि यार पकोड़े मिलने चाहिए, समोसे मिलने चाहिए, तो वो कमल कभी कभार तो बोलने लग जाती है, कभी कभार बना देती है। पर हर दफा बना के देती हूँ, बोल के भी बना के देती हूँ, चुप रह के भी बना के देती हूँ। बना के देना बनाने जरूर है, बनाना जरूर है। कवल ये बताए कैसा लग रहा है आप लोगों की शादी के बाद, पहली ईद है, कैसा लग रहा है? मुझे वैसे ही लग रहा है, मुझे लगता है मेरी तो रोज ईद है इसको देख के, हकीकत वाली बात है। बस अब नहीं, सही बात है, क्योंकि सुबह उठ के देखना, शाम को देखना, दोपहर को देखना, रात को देखना, इसे देखना। वैसे ये तारीफ की के बेइज्जती है, मतलब कहना क्या चाहते हैं? मतलब मैं एक ही चेहरा देखना, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बस बस, मैंने कहा यहाँ पे लड़ाई ना हो जाए, फिर बेइज्जती, फिर तारीफ। देखे बंदे को खुश करने ये सैंडविच बन गया, ताकि लड़ाई ना हो जाए इसके बाद। क्या ससुराल से जो ईदी आई, जो दिया गया, वो क्या क्या दिया गया आपको? यार दिया तो काफी कुछ गया है, और मतलब ईद पे आउटफिट्स और चूड़ियां, और वो होती है ना चांद रात की तैयारियां, और मदर इन लॉ ने ये गिफ्ट। यार हमारा मसला ये है कि वो हमें बाजार नहीं लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोगों को लेके जाओ, हम भी नहीं खरीद पाते, या तुम लोग कोई पहचान ले, वो हमारे से वो रेट बढ़ा देते हैं। हमारी जो मतलब माए है ना, उनको ये है कि वो कहती हैं कि यार हम दूसरे बाजारों में जाएं, वहाँ पे अच्छे रेट से आधा घंटा बहस करें, फिर ये कहें नहीं नहीं अन्य दा, और हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं यार, सारे सामने ना करो। अक्सर ऐसे भी होता है कि अभी भी ऐसे हुआ है, एक दिन हम लोग चले गए जबरदस्ती उनके साथ, तो वो कहते एक बंदे ने ना सूट का मांग लिया 20,000 रुपया। मैंने कहा, मैं आगे था, तो मैंने कहा भाई ये 20,000 हो जाएगा, तो 17,000 पीछे से ना जो मतलब अम्मी ने ना मुझे ना कोनी मार के, मतलब मैं ऐसे देखता क्या हो गया, मैंने क्या किया, कहते वे तुम 8,000 दा लेने ही, तो मैं तो बस दोनों हाथ पकड़ हाथ पकड़ के और 8,000 का दिया, मतलब हम इतना लूटते हैं यार ये लोग। सही बात, अच्छा उसने दे भी दिया, फिर वो बाद में हम लोगों ने समझ लें कि पूरे कोई 17-18 दिन ताने ही सुने हैं हमारे। महंगी चीजें ले अभी। वैसे आप लोग ने जो इतना प्यारा ड्रेस पहना है दोनों ने, ये कहीं से स्पॉन्सर है या अपनी बाइक? ना ना, ये हमारे अपने जाती हमारे घर वालों के, ये हमारे घर वालों ने हमें गिफ्ट। सही बात। और ईदी ईदी ऑब्वियसली हम लोग घर वालों से लेते हैं। हाँ लेते हैं, पर अभी तक क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, तो वो तीसरे दिन देते हैं, क्योंकि हम फिर मांगते हैं ना, हर रोज मांगते हैं, तो वो आजकल पहले जफी है पपी है, पहले दिन भी जफी है पपी है, तो वो भी 2 दिन ये देते हैं, फिर तीसरे दिन ईद। अच्छा कवल ने कितनी ईदी दी आपको, जुल्कन ने कितनी ईदी दी कवल को? कमल ने तो मुझे बहुत ज्यादा ईदी बिल्कुल नहीं दी। बहुत ज्यादा ईदी बिल्कुल नहीं दी। और मैंने कमल को ईदी
कहते हैं तो यहाँ ही दे देता हूँ यार बस। लोगों के बहाने मुझे ईदी मिल जाएगी, मुझे तो खर्चा नहीं मिला। बताओ तुम्हें कितनी ईदी चाहिए, तुम बताओ कितनी ईदी चाहिए। तुम्हारे पास जो है मुझे सब कुछ दे दो, तुम्हारे बैंक में जो है वो सब कुछ दो, मुझे पर्स वाला नहीं चाहिए प्लीज। बताओ ना कितनी चाहिए। कसम खा के देनी है कि तुमने मुझसे वापस नहीं लेनी, ये कैमरे के बाद भी बंद होने के बाद भी वापस। ठीक है मैं आपके सामने ईदी दे रहा हूँ, दुआ रहिएगा। ठीक है जूम होना चाहिए, जूम होना चाहिए जी। माशाल्लाह रुको रुको मैं वो थोड़े थोड़े करके निकाल देता हूं, मैं तुम्हें देता हूं कि ज्यादा ना आ जाए, ज्यादा ना आ जाए। वाह 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 माशाल्लाह कवल कितनी सारी। मीर बहन ये तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये। वो तो उनके अल्फाज ही छीनी कमल इतनी ज्यादा। चलो तो देखिए हमारे प्राइवेट है, हम लोग घर जाके ईदी पे लड़ेंगे। ठीक है आप मेरी ईदी शो में आए हैं। नहीं देता हूँ यार ये लोग, ये प्लीज ईदी देखो गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, सुकून से पकड़ो तुम, ऐसे बेइज्जती हो गई। जानिए आप मेरी तरफ से ईदी रखे, मुझे वो वाली देते हैं, वो वाली दे दो। नहीं आप ये रखो, देखे यही होता है, खातिन कभी खुश नहीं होती। ये अच्छी बीवियों की निशानी, देखे 5,000 पकड़ लिया। बीवी को देख के बताओ वो खुश होती है कि नहीं होती। मैं तो इसको 10 रुपए भी दूंगा खुश हो जाएगी। हाँ। वो उसकी शक्ल देखो, उसके तासुर नहीं, अभी तो मैं ये सोच रही हूँ मुझे 10 रुपए क्यों देंगे। बात कर रहे हैं ऐसे इनका वही हिसाब होता है ना, शादी से पहले कहते हैं ना चांद का है। अच्छा ज्यादा पोले खोलने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह यार ये सारे पैसे वैसे मेरे हैं, बस थोड़ी सी इसमें ना चौकी मारी है, लेकिन इट्स ओके। अच्छा ये बताएं कि बचपन की कोई एक खास याद जो आप लोग को याद रही हो, ईद की कोई खास याद आपकी कवल और आपकी जुल्कनैन। यार मेरी, मैं जुल्कनैन को मतलब बता रही थी बल्कि कुछ दिन पहले कि मेरी ना मतलब मैंने बड़ी शुरू से मतलब थोड़ी दोस्तें रखी हैं, तो मेरी 3-4 दोस्तें होती थी, लेकिन मुझे इतना शौक़ होता था ईद का, इतना ज़्यादा शौक, तो मैं कार्ड वगैरह मेरे मामू मुझे ला देते थे और एक ना बास्केट लेके आते थे जिसमें चुटकी हैं सब कुछ A to Z होता था, तो मैं पैकेट बनाती थी, तो मोहल्ले में चाहे लड़के भी होते थे मैं उनको भी दे के आती थी वो कार्ड, और उनको मतलब जानती नहीं थी, उन्हें कहती थी ईद मुबारक आप मुझे कुछ मीठा नहीं खिलाएंगे, ये अभी तो हमने नहीं बनाया, चलो आप जब बनाओगे मुझे बता देना, मैं उस दर से आई। तो मतलब ये मेरी सबसे मतलब एक बहुत अच्छी याद थी। अब तो बच्चे बड़े हैं। वैसे जुल्कनैन ये तो वैसे हमारी भी छोटी ईद है, और हम मर्द जो लोग होते हैं लड़के होते हैं वो छोटी ईद सोके गुजार देते हैं, सही और जो बड़ी ईद होती है यही करते हैं। नहीं मेरा ये होता था कि बचपन से मतलब मैं समझता हूँ कि जो ईद थी ना वो बचपन वाली ईद थी, अब ईद मतलब बड़ा जब होता जाए तो उसकी ईद ईद नहीं रहती एक तरह से, क्योंकि बचपन में ये होता था कि चाहे एक तो चांद रात का इंतज़ार करना, चांद रात का जब आ जानी चांद रात, फिर ना मतलब नॉर्मल रूटीन में अगर सोते थे ना 10 बजे तो वो चांद रात वाले दिन सो जाना 8 बजे, क्यों जल्दी जल्दी उठे जल्दी जल्दी ईद आए जल्दी जल्दी, हाँ सुबह ही तैयार होके मतलब किसी ने मुंह भी नहीं लगाना तो 8 बजे तैयार होके बैग पहन के सुर्खी लगा के बीच में 10-20 डाल के तो घूम रहे होना, मतलब वो सबसे बेस्ट। चलिए जी ये बातें तो चलती रहेंगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारा शो मेरी। ईद के इस हसीन लम्हात में हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी हमारे हसीन मेहमानों के साथ, सो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप दोनों में से सबसे पहले किसने प्रपोज किया? चौधरी साहब ने किया। सही बात है। बेसिक ये था मुझे जुल्कनैन शुरू से मतलब किसी बंदे की आदतें पसंद होती हैं, मुझे इसकी आदतें बहुत पसंद थी। सालकोट में फर्स्ट टाइम मिले थे लेकिन एटीट्यूड था क्योंकि इसके थोड़े से फॉलोवर मुझसे ज्यादा थे, इसके 1.3 थे और मेरे 1 मिलियन थे,
तो इसने इस्लाम नहीं लिया, सब गए। जुल्कन ने आ गया, जुल्कन ने तो मैं क्या कौन सी बड़ी तोप आ गई, जुल्कन ने आ गया। इसने कहा जेलस होने लग गई थी, जेलस पीपल यू नो। ओके, कौन सी तोप, ये पता था तोप आप पे चल जाएगी। हां जी चल गई, क्या बात की है यार। आप दोनों के ना जो राज आपस में, मुझे लग रहा है आपकी तारें बहुत मैच है, तो आप लोग अपनी अपनी मोहब्बतें झाड़ रहे हो। यहां स्टार्स क्या है आप लोगों के? यार मेरा कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न? मेरा स्कॉर्पियो। आप दोनों में से नाराज हो जाता है कोई तो पहले कौन मनाता है? कवल, जुल्कुनैन नहीं मनाते आपको? नहीं, मैं भी कभी कभी मनाता हूँ। नहीं कभी तो नहीं, 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 तो कभी नहीं, कभी नहीं, मैं इसे मतलब क्योंकि मैं नाराज बहुत कम होता हूँ, ये ज्यादा होती है, मतलब इसकी नाराजगी थोड़ा ज्यादा है, मेरी नाराजगी कभी कभार जब कभी मतलब बारिश हो, समझ लो ये सी महसूस है हमारा बच्चा। यार मैं सबको यही कहती हूँ, मैं अम्मी को भी मतलब जुल्कनैन की अम्मी उन्हें भी कहती हूँ कि अम्मी आपके सामने मासूम है, ये मासूम नहीं है, ये नहीं है। सुन ले की बात आप लोग। अच्छा मना के दिखाएं, कैसे मनाती हैं अगर नाराज हो गए किसी बात पे? लड़कियां होता है ना छेड़ के चली जाती है, मुझे बात नहीं करनी। नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जुल्कन नाराज होता है तो मैं चुप करके मैं नहीं करनी, ना करो बात, ऐसे होता है। अल्लाह माफ करे, तुमने ऐसा कभी नहीं कहा, क्यों इतना झूठ बोल रहे हो यहाँ पे? यार थोड़ा बहुत तो अपना वो स्वैग दिखा। नहीं मतलब नाराज हो जाता है ना तो मतलब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं सच्ची कहूँ एक सेकंड ही रहा जाता, तो मैं बस हाथ पकड़ती हूँ, माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बस हग कर लेती हूं, दैट्स इट। बातें तो आप लोगों के साथ होती रहेंगी, लेकिन अब हम लोग खेलेंगे एक बोर्ड गेम। तो जगह हम दोनों ने इन दोनों की चेंज कर दी है, अब देखते हैं कि दोनों में से एक दूसरे को कौन ज्यादा जानता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, फेवरेट कलर ऑफ कवल। कवल आप अपने बोर्ड पे लिखेंगी, जुल्कनैन आप अपने बोर्ड पे लिखेंगे। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और जुल्कनैन ऐसे बिल्कुल सामने लिखेंगे, मुझे साफ नजर आ रहा है, छुपा के लिखना है। नहीं नहीं मुझे नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले कवल आप जुल्कनैन दिखाएं सामने। ये मेरा बहुत आसान है यार, क्या हो गया? ये तो सबको पता है। Nice. Same answer. Second question. Favorite color of Zulkarnain. बहुत से हैं यार इसके, बहुत से हैं, मैं क्या बताऊं? ये अल्लाह पाक लोग मुझे औरत के लेकिन अगर मुझे इसका नाम है मैं कहता हूं इसका ऐसे ही मिल गई ये लड़का। इस आंसर को दिखाने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे उसको हमारी तरफ से आज चैनल की तरफ से ईदी मिलेगी। वाओ, आप मेरे शोहर को दे दें, निकल बा मैं लूंगी। आई हैव नो इशू। अब आंसर दिखाएं क्या? जुल्कन पहले आप दिखाओ। ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू या देखो ब्लू मैच है यार, मैं देखो कर रही हूं। आपको व्हाइट पसंद है, आप कहते मुझे व्हाइट। ब्लैक एंड ब्लू है यार, हार गई एक बार। नहीं हारी, अब जल्दी जानबूझ के ना मुझे हराना, मैं तुम्हें भी हरा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, मैं बताती हूं। आपने कवल की एज लिखनी है और कवल आप अपनी एज यहां पे लिखेंगे। ये तो बच्चे बच्चे, कवल की एज क्या है? बच्चे बच्चों को पता है ये तो। ओके सबको बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप दोनों से, बच्चे दो या पांच? एक ही दफा जो बस जुल्कन ज्यादा की उम्मीद ना रखना प्लीज। ओके जी दिखाएं। दो सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है दोनों में से? ये तो हम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे। आपको आपको छुपाना पड़ेगा। हाँ दिखाएं, बोर्ड दिखाएं। नहीं, मेरी नजर। हाँ शुक्र है। कबल है ना, वैसे ज्यादा लड़कियां ही नाराज होती हैं। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दोनों में से सबसे ज्यादा फोन यूज कौन करता है? कर
मुझे ऐसा लगता है कि कमल को ना साथ कोई कोई बातें याद आ रही हैं, कुछ चीजें याद आ रही हैं। हम जब भी लड़ते हैं ना कि मोबाइल तुम बहुत यूज करते हो, जुलकर मैं हिस्ट्री चेक करवा दूंगा, मैं हिस्ट्री चेक करवा दूंगा, कौन ज्यादा यूज करता है, निकाल के तुम्हारी है, तुम्हारा क्या मेरा क्या, स्क्रीन ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजें रख के दोनों में से कौन भूल जाता है? दिखाएं बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग सही जा रहे हैं। बस कर दो, अब बिस्ती करवानी है तुम लोगों ने पूछ पूछ के। अच्छा, अगला क्वेश्चन के कवल को निकनेम, कवल का निकनेम क्या? प्यार से क्या बुलाते हैं? प्यार से आप कवल को क्या बुलाते हैं? जो कवल को भी पता, जो कवल को भी पता होगा, जो कवल भी उस बोर्ड पे लिखेंगे। इसके अलावा अगर तुम मुझे कुछ बुलाते हो ना, मैं तुम्हें पकड़ के दिखाएं। आप दोनों में से सबसे ज्यादा फिटनेस फ्रीक कौन है? ये मुझे लगता है यहाँ गलत होगा कुछ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। नो चीटिंग, नहीं मैं चीट नहीं करूंगी। ठीक है, दिखाएं दिखाएं। मैं ही हूँ, जुल्कर ने। तो ये तो कोई भी नहीं जीता, तो कांग्रेचुलेशंस आज टीम और हम लोगों को। हमारी ईदी नहीं, नहीं ईदी नहीं बची, ईदी नहीं बची, मेरा मेरा आधा गलत था, उसे पैसे दे, उसे ईदी दे, मैं अपने शोर का हक नहीं मांग रही। वो एक ही नोट है तो उसको अदा ना कर। तो ये तो अब काम खराब हो गया, जगह चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब हमें नेक्स्ट सेगमेंट का पहले ईदी देनी पड़ जाए। वेलकम बैक टू मेरी ईदी गाइज। आई होप आप लोगों को इस शो में बहुत मजा आ रहा होगा। तो अब क्या सोच रहे हैं? ये मैं चूड़ियां क्या सोच रहे हैं? ये किसके लिए है? ये आप लोगों को पहनाएंगे। ये क्या मजाक है? ये मजाक है कि आप लोगों ने शादियां तो कर ली हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो आप लोगों को हमारे हाथ का साइज पता है क्या है? आई मीन चूड़ियां पहनानी है ना अभी, आप शादी के बाद ही तो पता चलता है हाथ का साइज है। भाई एक छोटा सा गेम है, वो ये कि आपने कवल को उनके हाथ के साइज की चूड़ियां पहनानी है और एहसन ने मुझे मेरे हाथ की साइज की चूड़ियां पहनानी है। मतलब के हम में से जो पहले पहना दे, जो सा मर्जी, हम लोग कलर उठा दे, कोई भी कलर। नहीं नहीं यार, मैचिंग वाला उठाओ ना। आप इसको ग्रीन पहनाए और ये मुझे ब्लू पहनाएगा। मिक्स हुई है, वैसे मिक्स हुई है। हाँ तो स्टार्ट करें, और जो विन करेगा वो विन करेगा, उसके उसको हम दुआ देंगे ना। उसको हम दुआ देंगे, जो जीतेगा उसकी बीवी उसको ईदी देगी। सही है, ठीक है, स्टार्ट करें। चलें, ओके, मैं ज्यादा ज्यादा पिक कर। 3, 2, 1 गो। एक साथ एक साथ। अल्लाह अल्लाह, एहसन भाई बहुत एक्सपर्ट है। ये लगता है मदीहा को रोज पहनाते हैं चूड़ियां। ओए आजाद, फिर आए तो नहीं नहीं। एक सेकंड मेरे हाथ में रहेंगे। हम आ जाएंगे मदीहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? एक सेकंड, एहसन ने अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इसमें आप चावल फेंक रही हैं, ये एक वीडियो है जिसमें आप चावल फेंक रही हैं। तो सोनू शेरवानी कमेंट करती हैं, क्या मिला ये रिस्क जाया करके, और अब मुसलमान हो तो हिंदू वाली रस्म क्यों करते हो? ये वैसे मुझे शुरू से रस्म वैसे बहुत पसंद थी। मैंने कहा यार कब मेरा भी दिन आएगा कि मैं चावल फेंकूंगी और कोई पकड़ेगा। मैं मम्मी से पूछती थी, नहीं नहीं जुल्कर नैन मेरे चावल आप फेंकेंगे तो ये नहीं, मुझे मैं मम्मी से पूछा भी कि मम्मी जो ये चावल पीछे फेंकते हैं वो कोई पकाता भी है कि नहीं? धुला पैसे चुक रहे हैं वो। तो ये है कि हमारी मतलब पंजाबियों की रस्म है और इसमें कुछ भी नहीं है, रस्म है, तो बस घर वालों ने जो जो कहा वो कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है बहुत मजे का, वो है जो जो केक्स लैंड का, के बेबी अम्मा की गोद में
जो आपकी पिक्चर है जिसमें आप बैठी हुई है और ज़ुल्कर्नैन से रिलेटेड। हाँ यार सही बात है, वो भी है, वो भी है। यार देखिए जरा, पहली बात है कि हम लोग शादीशुदा हैं, तो मैं उसकी अम्मा नहीं हो सकती और ना के कंपेयर किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि जलता है यार, जलता है साला मजनू, जलता है मजनू, जलता है। तो वो जलता है कि यार मुझे ऐसी कोई नहीं मिली, मैं उसकी गोद में सर नहीं रख सकता, तो यू नो कहीं ना कहीं तो उसने ये निकालना ही है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं जिसमें जो आपकी शादी के ऊपर है। अंडरस्कोर लेन खुरासान अंडरस्कोर, वैसे माथा पट्टी और हाथों में जो पहना है उसमें कैटरीना कैफ को कॉपी किया है, सस्ती कैटरीना कैफ बनने की कोशिश। और आगे हंसने का कैटरीना की शादी मुझसे पहले हुई थी। हाँ पहले हुई थी। अच्छा, मैंने उसे देखा नहीं है उसे कॉपी क्या करना, उसे देखा नहीं है। और मैं सस्ती हूँ या महंगी हूँ, मैं कैटरीना कैफ बन ही नहीं सकती। मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरी तरह बनते हैं, मुझे क्या जरूरत है सस्ती कैटरीना कैफ बनने के लिए। नाम भी ले ले, लेन खुरासान, नाम भी मुझे नहीं पता। नाम ऐसे लोगों के नाम इतने अजीबो गरीब होते हैं कि उन्हें अपनी पहचान ही नहीं होती। अजीबो गरीब होते हैं ना, इसलिए बेचारों के नाम अजीब भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। अगला कॉमेंट है मलका 096 का। यार मैं सुना था कि कराची गंदा है, इधर तो लंदन का बुरा हाल है, हमारे ये जो टावर्स होते हैं कम से कम वो तो चमक रहे होते हैं। ये वो जाके लंदन की जो पिक्चर थी जो आप साथ खड़े हुए थे, आई गेस थोड़ा सा चलो शुक्र है इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है, कम से कम लंदन की है तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यार देखे यार उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने सफाई नहीं की, नहीं की तो तुम कर देते आके, यार क्या मसला तुम लोगों को। उस दिन कोई उनका वो था, कोई इवेंट था, नहीं हेलोवीन थी, हेलोवीन नाइट थी जिसकी वजह से काफी लोग मस्ती कर रहे थे और कहीं पे भी फेंक रहे थे। नेक्स्ट कमेंट है मोसन डॉट स्कॉर्पियो का, कितनी बार शादी करेंगे, कितने फंक्शंस और हैं, क्वेश्चन मार्क, समझ से बाहर है। यार खुदा की कसम मैंने ज़ुल्कर्नैन को, मतलब हमारी शादी को जब एक महीना हुआ तो मैंने कहा कि यार प्लीज शादी दोबारा कर लें, कि मुझे जितनी बार मौका मिलेगा मैं उतनी बार शादी करूंगी, जितनी बार मौका मिलेगा मैं उतनी बार शादी करूंगी, बार बार शादी करूंगी, इससे करूंगी, मसला है तो रोक लो, मैं नहीं रुकना। मतलब अपने इवेंट का आपका क्या ख्याल है, मैं बार शादी करूंगी। अच्छा मेरा ये ख्याल है कि आप, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया अपने इवेंट को, इतना एंजॉय किया, उसकी वजह से कमल मुझे कह रही थी कि यार मतलब दोबारा से कोई इवेंट रखे अपना कुछ इस तरह। मैं तो अपने कजनों को कहती फिर हूँ शादी कर लो, उसी नहीं दोबारा कर लो, यार शादी कर लो, तो मैं बार बार करूँगी। ये बताएं कि कौन सा ऐसा टिकटॉकर है जो कि ओवररेटेड है। कौन सा यार, बहुत से हैं, मुझे रास्ते में कहेगा कवल बुरी बात है, पहले कवल बताएंगी फिर ज़ुल्कर्नैन बताएंगे। यार ओवररेटेड मुझे लगता है कि कौन है यार, मतलब जिसने इतनी मेहनत ना की उसको बिला वजह इतने सारे फॉलोअर्स मिल गए। यार मुझे तो लगता है सबने मेहनत की, क्योंकि अगर कोई ओवररेटेड मतलब कोई जो टिकटॉक पे कुछ गलत हरकत भी कर रहा है ना, तो वो भी मेहनत कर रहा है इतनी गलत हरकत करने के लिए और एक दिन में पांच पांच छह छह वीडियो बनाने के लिए। और हकीकत है जैसे कि वो मुझे एक सॉरी भाई माजरत, बस वो मेहनत में नहीं सॉरी भाई माजरत, वो एक कराची में हिम्मत की मेहनत, हाँ वो जैसे वो कराची के अंकल थे शायद, वो ऐसे जुबान निकाल के चलते थे, तो मुझे उनका नाम नहीं पता भाई, मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे वो लगता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं जुबान निकालने में और फिर चलते हैं, तो वो शायद चलते, हाँ तो इतनी ज्यादा उन्होंने फिर वॉक भी की और एक्सरसाइज भी की और जुबान को निकाल के बताया कि मेरी जुबान कितनी लंबी है, तो वो थोड़े। और ज़ुल्कर्नैन आप, आपका क्या जवाब है कि कौन आपको लगता है? इसलिए बताना मुझे इशारा ही दे दें, हिंट दे दें, हिंट दे। सही बात बताऊं तो मतलब कुछ लोग ना बहुत अजीबो गरीब हरकतें करते हैं, जैसे कि सब्जियां ऐसे लगा के और टमाटर को ऐसे रख के, मतलब अजीबो गरीब वीडियो, कोई सेंस बनती ही नहीं है उसकी। अच्छा तो ये जो 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 लोग अपने मुंह पे सब्जियां लगा रहे हैं वो जितने भी लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं आप
बंदा है ना जो मिमिक्री करता है हम सबकी आप सबकी, वो ये है कि अगर इयररिंग्स भी हमने पहने में ना तो वो कागज लेता है और कागज पे उसको इयररिंग्स को मतलब ड्रॉ करके लगाता है, वो मतलब कोई फ्रूट नहीं लगा रहा, वो जाया नहीं कर रहा, तो वो अच्छा है। उस पे मैं भी हंसती हूँ कि भाई यार तुमने तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग कर लिया। सही बात है, सही। पर जो इस तरह जाया कर रहे हैं, आप लोग कहेंगे आप लोग भी जाया करते हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाया करते, हम सब कुछ खा जाते हैं, तो थोड़ा बहुत एहतियात करना चाहिए। सब कुछ खा जाते हैं तो इसी को आगे हम लेके चलते हैं कि आई होप कमेंट्स के तो आप सबको जवाब मिल गए होंगे। खाना बोला ही इसीलिए हर चीज में हम कह रहे हैं एसन बाबू रोटी खोल दे, रोटी खोल दे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जुल्करनैन ने नाम नहीं लिया किसी का, मैं कह रही हूं नाम नहीं लिया। पता क्या है कि मैं, मुझे लगता है मैं इस दुनिया में किसी को हर्ट करने के लिए आया ही नहीं। नहीं मैंने भी हर्ट नहीं किया, मैंने माफी मांगी है। लगता भी है नहीं, तो मैं उसको डायरेक्टली बोल के कह दूं कि तुम मुझे बुरे लगते हो, या वो चलना चाहिए कंफर्म जन्नती है। चले चलते हैं आप खाने की टेबल पे, थोड़ी सी चिटचैट करेंगे और वहाँ पे फिर आपसे आपके बारे में आपको खाने पे भी नहीं हमें जीने देना। चल लेना प्लीज, आप लोग स्टार्ट करें, आपका इंतजार है। मैं इन्हें अभी ये बता रहा था कि मेरे बेगम ने बहुत मेहनत से स्पेशल आपको मुझे बनाया है, आप प्लीज स्टार्ट करें। जुल्करनैन बिल्कुल मैंने बनाया है, मुझे लग रहा है जिस तरह आप लोग एक दूसरे के साथ कह रहे हो ना, मुझे लग रहा है क्या खाएंगे आप। अच्छा डायरेक्ट अटैक होगा, वाह जी वाह, जुल्कर ने कोई इंतजार नहीं किया, जुल्कर ने मांसपेशी पे जाऊंगा, मांसपेशी पे जाएंगे आप। आप लेते रहे साथ साथ खाना अपना स्टार्ट करें, इसके साथ साथ हम आपसे बातें भी करते रहे, माइंड तो नहीं करेंगे आप। नहीं नहीं आप बस चाहते हैं कि हम कम खाएं लेकिन हम बातों के साथ भी ज्यादा खाएंगे, तो आप उसकी टेंशन यही टैलेंट देखना चाहते हैं भाई। खाना पीना तो चलता रहेगा, इसके साथ साथ कुछ अफवाहें हैं भाई कवल और जुल्करनैन आपके बारे में, तो क्यों ना वो डिस्कस हो जाए। हाँ हाँ जरूर। सबसे पहली अफवाह कवल आपके बारे में, ये अफवाह है कि आप ना सिर्फ अपना खाना खाती हैं बल्कि जुल्करनैन की प्लेट का टेस्ट करते करते पूरा खाना उनका चट कर जाती है। उल्टा उल्टा काम है वैसे। उल्टा है। ये मेरी प्लेट चट कर जाता है, खा जाता है, हमेशा खा जाता है। मैं इसे कहती हूँ ये खाना कहती है, मैं तो देखती हूँ मुझे लग जाता है तुम इतना खा। नहीं मैं इसे कहती हूँ कि आप ही खाओगे, इसने कहा नहीं, फिर मैं जब लेके आऊंगी तो इसने कहना थोड़ा सा करते 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 खा जाना है, फिर बाद में जब मैंने इसकी तरफ जाना तो मुखड़ा नहीं ले सकती। सो आप दोनों को मेरी बेगम के हाथों का खाना कैसा लगा? उनकी तरह बहुत मजे का, खूबसूरत। थैंक यू कवल। लेकिन लेकिन हम आपको आराम से, इतने आराम से नहीं खाने देंगे। जुल्करनैन आपके बारे में दूसरी अफवाह ये है कि आप अपनी बेगम से बहुत ज्यादा डरते हैं। कौन नहीं डरता यार बेगम से, हर बंदा डरता है कि यार, मैं तो बल्कि ज्यादा डरता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बेगम है इतनी खूबसूरत, तो मैं नहीं चाहता है कि मैं इसे खो। नहीं नहीं झूठ झूठ, ये मुझसे नहीं डरता। तो सच के? सब लोग कहते हैं कि ये डरता है, अल्लाह का वास्ता ये नहीं डरता, ये मुझे डरा के रखता है। अच्छा? ये कर लूँ, ये करूँ, ऐसे क्यों करूँ, ये करूँ, तो ये नहीं डरता। मुझे लगता है कि मर्द की जो एक जगह होती है उसको उधर रहना चाहिए, तो ये मुझसे नहीं डरता। मुझे इस बात की खुशी भी और ना खुशी भी, ना खुशी भी है। तो तीसरी अफवाह ये है आप दोनों के बारे में कि कोई गुड न्यूज़ है जो आप लोग अभी तक रिवील नहीं कर रहे। ये तो सीधा सी नहीं है, पहले के सीधा सी है। खांसी तो आप लोग इस तरह कर रहे हो जैसे आप लोग बनाने जा रहे हैं। वो वैसे ही खाना बहुत अच्छा बनाया ना उन्होंने। ओह माय गॉड, यार देखें जरा। आप बताएं। क्या बताऊं? अभी तक वैसे नहीं है। पर हमें अपने से ज्यादा तुम लोगों पर ज्यादा उम्मीद है कि तुम लोगों की तरफ से करता है। नहीं हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अल्लाह ताला तो एक दूसरे को देख के। पर ये अफवाह है, अफवाह है, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी। सही है, ठीक है। अच्छा एक लास्ट अफवाह, अफवाह नहीं है, एक फनी बात है। शुक्र है इसके बाद हम सुकून से रच के खाना। जुल्करनैन आपके बारे में ये अफवाह है कि आप हर रोज अपने बाल कवल से बनवाते। बारे के भी बाल ही नहीं है तो बनवाएगा कैसे? जब थे तो क्या? दुख। अगर मैं बनाती ना तो मैंने उसकी कहते ना मीडिया शीडिया में वो करनी थी, दो पोनियां करनी थी। दो पोनियां करनी थी।
तो भाई बहुत सारी बातें हो गई हैं, मुझे लगता है कि अब हमें शो की एंडिंग करनी चाहिए, लेकिन एंडिंग से पहले मैं चाहूंगी जुल्कनैन और कवल आप लोग कोई एक ऐसा मैसेज जो अपने व्यूअर्स को देना चाहें। हमारा मैसेज यही है कि ईद का दिन है, खुशियों वाला दिन है, खुशियाँ मनाएं, और इस ईद पर गरीबों को भी ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि वो सिर्फ आपकी नज़र के ही मुंतज़िर हैं। और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का शुक्रिया। नहीं, आप दोनों का शुक्रिया। पहले हमारी तरफ से ईद मुबारक आप सबको भी, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए थैंक यू सो मच। अब हमें खाने दे प्लीज। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट यार, ये पहले बोलना तो सॉरी। और बाकी शायद ये सीरियस नहीं है, ये हंसी है, ये लाफ्टर है। तो बाय अल्लाह, इतने तो रिश्ते खराब कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, जलते है सालम मजनू जलते। जुल्क ज्यादा क्यों उम्मीद ना रखना प्लीज। वैसे ये तारीफ थी कि बेइज्जती, मतलब कहना क्या चाहते हैं।